नमस्कार किसान भाइयों आपका अपना ही चैनल विलेज किसान में आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में आप देखेंगे जो देख रहे हैं आम आम की खेती करते समय आप देखते होंगे कि जिस समय मंजर आता है उस समय जो होता है कि मंजर के ऊपर जो होता है मधुआ बहुत ही ज़्यादा आने लगता है और आपके मंजर को खराब करके यानी जो होता है उस पर चिपचिपा सी जो द्रव्य पदार्थ होता है वो छोड़ने लगता है उसे क्या क्या नुकसान होता है आपके पौधे के ऊपर आम के ऊपर तो देखेंगे कि आम के ऊपर भी चमकीला जैसे जो होता है कि वो लिक्विड द्रव पदार्थ जो होते हैं वो छोड़ देते हैं और जो मंजर होते हैं उसके ऊपर भी वो छोड़ने लगते हैं और उसके बाद बात करेंगे जो आम होते हैं उसमें कीट जो पकड़ लेता है कीड़ा उसको किस प्रकार से आप निधान करेंगे और आपके जो मंजर होता है उसके ऊपर मिली बग जो होता है वो रख लेता है उससे क्या नुकसान होता है वो सारी जानकारियाँ आपको इस वीडियो में मिलेगी चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही साथ ऑल नोटिफिकेशन अपना ऑन कर ले ऑल पर जाकर के क्लिक कर दे ताकि कोई भी वीडियो मैं अपलोड करूँ तो उसका सीधा नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाएगी तो चलिए किसान भाइयों वीडियो स्टार्ट करते हैं बात करते हैं मधुआ की तो मधुआ जो होता है एक भूरे रंग का कीट होता है जो कि आम पर वो जो आम का देखेंगे कि जो उसका तना होता है तना में वो जो छुपा रहता है शुरुआत में और जैसे ही मंजर आ जाता है तो मंजर आने के बाद मंजर के ऊपर चला जाता है और जो सॉफ्ट वाले जो नए पत्ते निकले होते हैं उसमें जा करके छिपने लगता है और छिप करके वहीं पर जो मंजर होता है उस पर जो नए पत्ती होता है उसके ऊपर का जो रस होता है वो चूसने लगता है जिसके कारण आपको देखने को मिलेगा जो मंजर होता है वो धीरे 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 जो होता है कि वो चिपचिपा सा जो द्रव्य पदार्थ छोड़ने लगता है उसके कारण जो होता है कि जितने भी मंजर और पत्ते होते हैं वो चमकीला हो जाता है और चमकने लगते हैं इसलिए उसमें लस लसापन ज़्यादा होता है जिसके कारण जो होता है कि उसमें भारी नुकसान जो होता है आम के खेती को देखने को मिलता है तो इसको जो होता है नियंत्रण करना बहुत ही ज़रूरी होता है तो इसको नियंत्रण करने के लिए सबसे पहले क्या करें आप कि इस पर स्प्रे करें तो स्प्रे किस चीज़ का करना होता है तो किसान भाइयों इस पर स्प्रे करने के लिए आपको इमिडा क्लोप्रीड सेवेंटीन वाली जो आता है उसका ए के एम तीन लीटर पानी में रख करके और इसके दर के हिसाब से जितना भी पौधा होता है उस पर आप स्प्रे कर सकते हैं और फल निकल जाने के बाद में भी होता है किसान भाइयों की बहुत से देखेंगे मटर के दाने इतने तक जब तक वो रहता है फल या डेढ़ सौ से दो सौ ग्राम तक जब फल रहता है उस समय तक जो होता है कि ये कीट देखने को मिलता है और एक आम के अंदर कीट लगता है जो कि मैं आपको आगे दिखा रहा हूं कि आम के सड़ जाने के बाद में जो होता है कीट लगने के बाद में आम सड़ जाता है तो एक कच्चे आम में ही जो होता है कि पकने वाला अवस्था जाता है उसमें कीट पकड़ लेता है आ एक होता है कि जो कि पत्थर जो होता है जो ओले पड़ते हैं तो फूट जाता है उसके बाद उसमें कीट पकड़ता है दोनों का मतलब अलग अलग होता है पहला जो होता है कि जो आम सही होता है उसमें भूरे कलर का जो मक्खी होता है उस पर बैठ जाने के बाद में देखेंगे कि उस मक्खी का गर्दन जो होता है उसके ऊपर जो होता है येलो कलर का यानी पीला कलर का निशान होता है और काले कलर का निशान होता है बहुत छोटे से मक्खी होता है वो आम के ऊपर बैठ जाने के बाद में उसके अंदर सुरंग करके अंडा छोड़ देते हैं जिसके कारण आम में बहुत सारे जो कीट होते हैं वो लग जाते हैं और दूसरा जो होता है कि ओले गिरने के बाद में फट जाता है यानी ओले जब पड़ता है जिस आम पर तो उस आम का जो साइज होता है जिसके ऊपर पड़ने के बाद में और जैसे बरपार धीरे धीरे लेने लगता है तो आम में जो देखेंगे कि वो फटना शुरू होता है फिर उसके बाद जो होता है उसमें कीट लगता है तो कीट दो प्रकार से लगता है और जो बाकी आम होता है सबसे सेफ बचा इस प्रकार से जो देख रहे हैं कि आम है जो सेफ आम बचा होता है उसको भी डर रहता है कि जो पास वाले आम के पौधे के ऊपर अगर वो कीट पकड़ लिया हुआ है अगर वो मक्खी वहाँ पर आ चुका है तो जो बगल वाले साइड वाले या उस बगाम में जितने भी आम का पौधा होता है लगभग सभी पर जाने का चांस बना रहता है इसलिए उस पर स्प्रे करना बहुत ही जरूरी होता है तो इमिडा क्लोप्रीड का स्प्रे आप जरूर करें पानी के साथ तीन लीटर में एक एमएल जो होता है इमिडा क्लोप्रीड सेवेंटी वाला जो होता है उसको रख करके आप चाहे तो उस पर दो स्प्रे कर सकते हैं तो पंद्रह दिन के अंतराल पर रख करके स्प्रे करें एक स्प्रे जैसे आज कर रहे हैं तो एक पंद्रह दिन के बाद दूसरा स्प्रे कर सकते हैं इस प्रकार से स्प्रे कर देते हैं तो उस मक्खी से आपको छुटकारा जो होगा वो मिल जाएगा जिसके कारण जो इलिया बन रहा होता है वो इलिया नहीं बनेगा और आपके आम जो होगा वो बहुत ही अच्छे से लग पाएगा अब बात करते हैं किसान भैया कि जो इसके अंदर जो मिली बाग आता है कि यानी कि देखेंगे कि जब बारिश का सीजन चल रहा होता है मंजर आया होता है या ऊपर से बादल घेरा रहता है तो उसके बाद जो देखेंगे कि मिलीबग जो होता है वो जमीनों से उठ करके और जो पौधा होता है उसके द्वारा जाकर के और जहाँ पर मंजर होता है वहाँ पर जा कर के वो चिपका सा रहता है और वो व्हाइट कलर का होता है जैसे कि जिस कलर का देखेंगे कि व्हाइट व्हाइट सा जैसे कि बिल्कुल पाउडर जैसे उसके शरीर पर लगा होता है और जा के जो जहाँ पर मंजर होता है वहाँ पर पूरे नीचे से लेकर ऊपर तक वो पूरे चिपका रहता है और उसके कारण जो होता है मंजर सूखने लगता है या मंजर जो होता है कि गलने लगता है तो ये मिली बग जो होता है बहुत ही नुकसान पहुँचाता है ये शुरुआत वाले जो अवस्था होता है उस समय अटे ज्यादा करता है तो उसको हटाने के लिए आप क्या करें कि जब आप आम के खेती कर रहे होते हैं तो आम को मंजर आने से पहले ही एक बार जो मंजर के नीचे आम के नीचे जो जमीन होता है उसका जुताई करवा दें एक बार और जुताई करवाने के बाद जो उसका अंडा होता है वो भी मर जाता है और उसके बाद में जो उसका बच्चे होते हैं वो भी मर जाते हैं तो उसका जो संख्या होता है इतना नहीं हो पाता है और जिसके कारण जो होता है कि आपका आम का जो फल है वो फसल है वो बहुत ही अच्छे से आएंगे और अगर लग गया हुआ है आपके पौधे के ऊपर तो उसके लिए जो होता है कि आप जो मैं दवा बताने जा रहा हूँ उस दवा को इस्तेमाल कर करके आप उसको जो होता है नष्ट कर सकते हैं क्यूविनल फास दो एम या मोनोक्रोटोफास दो एम जो होता है चार लीटर पानी में मिक्स करके और इसके बाद स्प्रे करें तो इस दोनों में से किसी एक दवा को लेकर के चार लीटर पानी में जो होता है कि इसको मिक्स करें और उसके बाद जो होता है कि आप अपने आमों के ऊपर स्प्रे कर देते हैं तो इससे छुटकारा पा सकते हैं अगर मात्रा ज़्यादा है मिलीबग का तो उस समय क्या करें कि चार लीटर के जगह पर दो लीटर पानी रखें और दो एम जो होता है कि वो दवा रख करके फिर स्प्रे कर देते हैं तो इसका रिजल्ट जल्दी देखने को मिलेगा और अच्छा आएगी अगर कम है तो चार लीटर पानी में दो एम जो होता है वो रख करके स्प्रे करें तो दोनों में से कि सी, एक दवा को लेकर के आप स्प्रे करते हैं तो जो मिली बग होगा वो नष्ट हो जाएगा जिसके कारण आपका जो पौधा होगा वो निरोगर हो जाएगा और उसके बाद जो होगा उस पर जो मंजर जो होगा वो अच्छे से काम करेगा जो टिकोड़ा होगा वो अच्छे से लगेंगे आने वाले समय में और कुछ ही दिनों के बाद देखेंगे कि आपका पौधा जो होगा वो हरा भरा और अच्छे से हो जाएगा तो इस प्रकार से जो होता है आमों की खेती करते समय इन बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है तो ये वीडियो आपको कैसा लगा वो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं अभी भी आपके मन में कोई सवाल चल रहा है तो वो बॉक्स में जा करके के डायरेक्ट आप हमसे पूछ सकते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं तब तक के लिए नमस्कार